हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो आज हम देखेंगे टाइप ऑफ सीएसएस, जिसमें हम देखेंगे मल्टीपल स्टाइल शीट। तो मल्टीपल स्टाइल शीट होती क्या है? इफ़ सम प्रॉपर्टीज हैव बीन डिफाइंड फॉर अ सेम सेलेक्टर एलिमेंट इन अ डिफरेंट स्टाइल शीट, द वैल्यू फ्रॉम द लास्ट रीड स्टाइल शीट विल बी यूज। ये क्या कह रहा है? अगर आपने सेम स्टाइल शीट यूज़ कर रखी है, सेम सेलेक्टर यूज़ कर रखा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा। जैसे आपने एक हेडर फाइल यूज़ कर रखी है, या फिर H1 जो हेडिंग है आपने यूज़ कर रखा है आपने, या फिर पैराग्राफ यूज़ कर रखा है, पी टैग आपने बाहर भी यूज़ कर रखा है एक्सटर्नल फाइल में, और अंदर भी यूज़ कर रखा है। तो जो अंदर वाला होगा वो आपका रीड होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, जिससे कि आपको और चीज़ें और समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है। एक एग्जांपल है, जैसे आपने एक हेडर लगा रखा है, एक हेडर बन लगा रखा है, स्टाइल शीट लगा रखी है जो कि आपने सेव कर रखा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट में, और एक आपने हेडर लगा रखा है जिसको आपने ऑरेंज करा है और वो आपने सेव करा है इंटरनल स्टाइल शीट में। आप इसके लिए इंटरनल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट रेफ़र कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ उसके। तो ये दोनों आप रेफ़र कर सकते हैं, ये दोनों देख सकते हैं, ताकि आपको ये मल्टीपल स्टाइल शीट समझ में आ जाए। इसके लिए मैं अपने नोटपैड में जाऊँगा। नोटपैड में आपने पहली जो फाइल है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में कर रखी है। जैसे मैंने एक्सटर्नल सीएसएस भी बना रखी है, एक्सटर्नल में हमने H1 लिखा जो कि हमारा सेलेक्टर है, और उसके बाद हमने डिक्लेरेशन करा कि कलर जो है हमारा ब्लू है, H1 पे हमारा टारगेट है। तो जो हमारा H1 है वो हम यहाँ पर चीज़ें चेंज करेंगे। तो चीज़ें कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमें लिंकिंग लगाएंगे, जो कि हमने एक्सटर्नल में बता चुके हैं। ये एक्सटर्नल का एग्जांपल जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से लिंकिंग कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ से आपकी लिंकिंग जो है वो चेंज कर दी है मैंने, लिंकिंग यहाँ पर चेंज कर दी है, सेव। मैं आपका सेव कर दिया है। सेव करने के बाद इसे आप सेव एज भी कर सकते हैं, मल्टीपल css.html से सेव करा है। सेव करने के बाद ऑलरेडी सेव्ड है, इसे हम ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पर आपका मल्टीपल css ओपन करेंगे गूगल क्रोम में, या फिर किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ब्लू हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फाइल से लिंकिंग करा रखी है इस फाइल को, हमने नाम दे रखा है एक्सटर्नल css, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई आपकी। अभी आपके दो दो टैग हैं, आपको एक और बता देता हूँ। जैसे आपका लिखा हुआ है H1 टैग लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि हम स्टाइल में इंटरनल स्टाइल शीट में यूज़ कर चुके हैं, जो कि हमने स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम H1 को ही चेंज करेंगे। यहाँ पर हम जो उसका कलर है वो रेड कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल CSS है वो भी H1 को चेंज कर रहा है, और यहाँ पर भी इंटरनल CSS जो है हमारा H1 को चेंज कर रहा है, मतलब कि H1 पे पूरा टारगेट है, इसको हम रेड करना है। तो हमारा ये जो है वो पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है, तो हमारा कौन सा वाला वर्क करता है हम देखते हैं। इसे हम फाइल को सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसे हम रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद देख सकते हैं आप, इसे ये रेड हो चुका है, मतलब कि आपका जो बाद में लिखा हुआ है, जो इंटरनल CSS लिखी हुई है बाद में जो रीड हो रही है वो आपकी वर्क कर रही है। अभी हम इसे कट कर लेते हैं, और इसे लिंकिंग से पहले आपको रीड कराते हैं। पहले रीड हो रही है, उसके बाद ये रीड हो रही है, मतलब कि रिसेंटली ये वाला रीड हो रहा है एक्सटर्नल CSS। तो हम इसे फाइल को सेव करते हैं। फाइल को सेव करने के बाद हम अगर इसे रीलोड करेंगे तो ये ब्लू हो चुका है। मतलब आप देख रहे हैं कि चीज़ें जो है किस तरह से वर्क कर रही हैं। ऑर्डर जो है आपका इस तरह से वर्क कर रहा है कि आपका जो सबसे जो रिसेंटली रीड हो रहा है, सबसे रिसेंटली रीड हो रहा है वो आपका सबसे पहले चल रहा है, उसके बाद आपका ये चल रहा है। अगर हम इसमें इंटरनल स्टाइल शीट लगाएंगे, STYLE स्टाइल, और कलर लगाएंगे इसमें, कलर हमने लगा दिया नेवी, या फिर हमने लगा दिया ग्रीन। ग्रीन लगाने के बाद अगर हम इसे सेव करेंगे, इसे हम सेव कर दिया,
और यहाँ पर इसके बाद हम इसे रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका ग्रीन हो चुका है। क्यों ग्रीन हो चुका है? क्योंकि रिसेंटली जो सबसे रीड करा है हमने वो ग्रीन रीड करा है, उसके बाद ये है हमारा, उसके बाद ये आ रहा है। तो ये हमारा इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन सीएसएस का मिक्सचर है। तो ये मल्टीपल सीएसएस है, तो इस तरह से मल्टीपल सीएसएस के आपके ऑर्डर्स वर्क करेंगे। सो ये आपका मल्टीपल सीएसएस है। सो आई होप आपको मल्टीपल स्टाइल शीट समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस, मीट मी ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज़ वैल्यूबल फॉर ऑल, सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।